वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज मैं फिर से अपनी यूजुअल शूटिंग लोकेशन पे आ चुका हूँ अपनी कार को लेके, जो है ब्रेज़ा 2022 LXi मॉडल। तो आज हम इसकी 9-inch टच स्क्रीन के बारे में, जो कि निपॉन की है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये इसकी की है और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप मेरी कार को देख सकते हैं, इस पर अच्छा खासा काम हो रखा है। ऑलमोस्ट 1,20,000 मैंने रुपीज़ इस पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अगर आपको इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। मैं अपनी कार के अंदर आ चुका हूँ और एक बार मैं अपनी कार को ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि इसको बूट होने में कितना टाइम लगता है। तो कार ऑन है, मतलब स्टार्ट नहीं है, बस ऑन है। तो ये निपॉन की ब्रांडिंग आ गई है। ये एक्चुअली निपॉन के मॉडल की बेस लाइन वेरिएंट है, जिसमें ये एक 2GB 64GB का है, 2GB रैम वाला वर्जन है। और इसमें सिर्फ एक कैमरा सपोर्ट होता है, जितना उन्होंने मेरे को बताया है कि जो सिर्फ रिवर्स पार्किंग कैमरा है वही सपोर्ट करता है ये वाला एंड्रॉयड सिस्टम। और इसमें मैंने इसे चलाते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे क्या होता है। तो इतना टाइम आप देख सकते हैं कि इतना टाइम हमें बूट होने में लगा है। और अब बूट होने के बाद ये एकदम स्मूथ हो जाता है, मतलब ये सब तो मतलब थोड़ा बहुत जिटरी है, अब स्मूथ हो गया, बस इतना ही रहता है। ठीक है, अब बात ये है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, आपको मतलब मैं तो प्रॉपर वाला नहीं हूँ, पर जो एक्चुअली करोलबाग जा के वीडियोज़ बनाते हैं तो वो यही दिखाते हैं कि आपको बस ये दिखा देंगे और बोलेंगे देखो कितना स्मूथ है ये सब। तो इससे क्या ही है, आप कितना आके पूरे दिन भर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका। तो मैं आज आपको इसकी एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी दिखाता हूँ कि कितना काम करता है, इसके नेविगेशन क्या काम करते हैं, ये सब दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिवर्स कैमरे के स्टार्ट करके। तो ये मैंने रिवर्स में डाला, ठीक है। तो इतना टाइम लगा इसको ऑन होने में, कैमरे को ऑन होने में, रिस्पॉन्ड करने में। और क्योंकि ये गाइडलाइंस एक्टिव नहीं है तो ये ऐसे ही है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये मेरी कार न्यूट्रल पे है, एक सेकेंड, ये मेरी कार न्यूट्रल पे है, इसे मैंने रिवर्स पे डाला तो ये 2 सेकेंड ऑलमोस्ट ले लेता है रिवर्स गियर में जाने में, मतलब कैमरा एक्टिवेट करने में। कैमरे की क्वालिटी भी डिसेंट है, अपना काम कर देती है ये स्क्रीन। और मतलब मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसके कैमरा को लेके। थोड़ा बहुत हाँ डीले है, अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे इसको 1-2 दिन तो आपको पता चलेगा कि बहुत माइन्यूट, मतलब लगभग 1 सेकंड का डीले है जब गाड़ी पीछे जाने में और कैमरा में वो शो होने में। 1 सेकंड भी नहीं है, एक्चुअली आधे सेकंड का होगा, पर रिवर्स करते टाइम वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है। तो उस हिसाब से आप ट्रेन हो जाते हैं, और वैसे भी कैमरा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। तो अब मैं इसके बारे और फीचर्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने न्यूट्रल कर लिया, तो इसमें वही है कॉलिंग का फीचर, ये सब है। कॉलिंग क्या ही करता हूँ, मैंने तो आज तक इस फीचर को यूज़ किया नहीं कभी। बाकी ये सब है म्यूज़िक वगैरह, और ये इक्वलाइज़र है, कहाँ गया, ये रहा, ये इक्वलाइज़र है। इसमें 5-6 आपको इक्वलाइज़र मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है कि अगर आप सेटिंग्स चेंज करेंगे तो कुछ ज़्यादा आउटपुट में फ़र्क आएगा, पर थोड़ा बहुत कुछ कर देता है, थोड़ा बहुत ट्विकिंग आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक करते हैं, अब वीडियो प्लेबैक है, वीडियो प्लेबैक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पता नहीं, ये इनबिल्ट वीडियो आई थी, म्यूट कर देता हूँ। और क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी डिसेंट है, मैंने इस पर 1080p वीडियोस चलाई हैं, तो मतलब एग्जैक्ट जैसे फ़ोन में शार्पनेस रहती है उतनी तो नहीं है, पर हाँ ये है कि अगर आप चलाते हुए कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, गाने वगैरह चला रहे हो, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं देगी ये स्क्रीन, ऐसा रहता है इसका। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, इसको एक बारी मैं बैक कर लेता हूँ, पॉज करके बैक कर लिया, ठीक है। अब इसमें ऑक्स वगैरह का है, पता नहीं ये ऑक्स लगता कहाँ है, मेरे को तो पता ही नहीं एक्चुअली। और इसके साथ मेरे को 2 USB भी मिले हैं कनेक्टर्स, जो मेरे डैशबोर्ड के अंदर है, वो शायद अभी दिखेंगे नहीं, वो अंदर दब रखे हैं। तो 2 USB ये जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ। और ये मेरे को पड़ा है मात्र 10,000 रुपये का पड़ा है, तो 10,000 रुपये के हिसाब से अगर 9-inch की स्क्रीन मिल रही है तो सही लगता है। क्योंकि अब वही है ना, जो ऑडियो आउटपुट है इसका वो इतना अच्छा नहीं है, पर जो अगर हम कंपेयर करें कि आजकल की गाड़ियों से, तो स्क्रीन थोड़ी सी ना मैंडेटरी हो जाती है, कि नहीं तो थोड़ा सा पुरानी पुरानी लुक आती है गाड़ी में, तो
सही लगती है स्क्रीन, ऐसा वो नहीं है कि मतलब हाँ इसका आउटपुट डिसेंट, अगर मैं 5-6 हज़ार रुपये के किसी स्टीरियो सिस्टम से कंपेयर करूं जैसे कि मेरी दूसरी कार में लगा हुआ है, तो उसका थोड़ा सही है, पर फिर अगर आप अच्छे स्पीकर्स लगवा रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड कर देते हैं उसको, तो कोई वो नहीं होता। पर हाँ ये मैं आपको बता दूँ, नो डाउट इसका थोड़ा सा आउटपुट वीक है। ये जो मेरा टॉप मॉडल के स्टेयरिंग भी लगाया है इसमें, तो जो डीले है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसके और इसमें बटन दबाने में और उसके वो करने में, रिएक्ट करने में। अगर कुछ वैसे अभी कनेक्टेड नहीं है तो कुछ बताएगा नहीं। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो का मैंने वो खोला, ये मैंने बैक का बटन दबाया और ये हो गया तुरंत ही। तो ये कनेक्ट अच्छे से हो जाता है इससे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से। इससे भी दिखा देता हूँ आपको, कम ज़्यादा कम आप देख सकते हैं कि मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लेटेंसी है इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो म्यूट कर देते हैं इसको। वन ऑफ़ द मेन फीचर्स पे आ जाते हैं कि जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है वो ये तो करते नहीं है कि इस पर कभी वीडियो चला के गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, वीडियो चला दी, वीडियो सॉन्ग चला दी। ऐसे तो मतलब होंगे, कुछ लोग होंगे, पर जहाँ तक मैंने नोटिस करा है इतने ऐसा लोग करते नहीं है। जो मेजरली जिसका यूज़ करते हैं वो करते हैं इसके नेविगेशन के लिए। तो मैं इसका नेविगेशन खोल देता हूँ। तो नेविगेशन ही एक्चुअली इसका प्रॉपर रिव्यू है कि नेविगेशन कैसे काम करता है इसका। ठीक है, पहले तो ये खुलेगा आपका कुछ इंटरफेस, क्योंकि मेरा कनेक्टेड नहीं है। तो मैं एक सेकेंड इसको अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन का हॉटस्पॉट इसके वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अलग से क्या ना कहते हैं उसको, जियो फाई वगैरह नहीं लगवाया, या फिर कुछ और भी तरीके आते हैं पर मैंने नहीं लगवाया, मेरे को उतना सही नहीं लगा। तो मैं अपने फ़ोन से ही इसको कनेक्ट करके नेविगेशन वगैरह यूज़ करता हूँ। तो मैं अब इसको एक बारी नेविगेशन को खोलता हूँ। गूगल मैप्स ही है इसमें, मतलब नेविगेशन का कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, और गूगल मैप्स ही एक्चुअली बेस्ट है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको जब तक लोड होता है तब तक मैं आपको इसका रियल रिव्यू बताता हूँ, अनबायस्ड कि रिव्यू क्या है इसका। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जब मैंने चलाया ना, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे। तो अगर आप पहली बार यूज़ करेंगे वो तो आपको चला के दिखाएगा नहीं जहाँ से आपने लगवाया है, तो वो उसके सामने तो वो तो आपको वही स्क्रॉल करके दिखा देगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। पर एक्चुअली जो इसका ये है ना यूसेज, ये है इतना स्लो है, लैग मारता है। ठीक है, और मैं एक बार अपनी लोकेशन खोलूँ, तो एक्यूरेसी स्लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार मैं आपको इसका एक बार थोड़ा सा दिखा दूं किसी लोकेशन का लगा के, उसके बाद आपको एक बार लॉन्ग टर्म रिव्यू दिखाता हूं। तो ये मैं शारदा यूनिवर्सिटी की इस पर लोकेशन लगा दी है, ये मतलब मैंने टच कर रखा है, वो लोड कर रहा है अपना, लैग कर रहा है मतलब कह सकते हैं, पर फिर से नहीं हो रहा, खुद से ही हो रहा है। ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी, जबकि मेरा इंटरनेट फास्ट है और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर मतलब 2 मेगाबाइट पर सेकंड आ जाती है मेरे फ़ोन के सेलुलर नेटवर्क के हिसाब से, तो काफ़ी फास्ट नेटवर्क है यहाँ पे। तो ये आ गया, कुछ कुछ खुल गया। ठीक है, अब एक बार मैं डायरेक्शन स्टार्ट करता हूँ। डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं कि इतना लेटेंसी है, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको इतनी लेटेंसी है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। अगर इतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा हर बार, अगर आप वो करोगे कहीं आपको नेविगेशन सेट करके जानी है तो इतना टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा, लगेगा ही लगेगा। एक्चुअली मैं एक बार जनक, हाँ ये आवाज़ आ चुकी है, तो मैं म्यूट है तब भी आवाज़ आ रही है। चलो इतना टाइम देखो, आप देख सकते हैं कि कितना लैग हो रहा है अभी, तो आसपास की लोकेशन भी वो नहीं हुई है, रेंडर नहीं हुई है, तो इतना लैग करता है। मैं एक बार इससे जनकपुरी गया था, तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये चलेगा ढंग से, पर मैं इसका एक एक्चुअल रिव्यू ये है कि जब आप चलाते हैं ना, अगर मैं इसको 5 मिनट यहीं छोड़ दूँ तो ये इतना परफेक्ट चलने लगेगा कि मतलब बहुत अच्छा चलने लगता है, जैसे फ़ोन में चलता है। सकते अभी इसका लोड हुआ है, ये मतलब इसका यूज़र जैसे ये है, अब देखो ये हो गया, पर जब आप गाड़ी चलाओगे रोड पे तो एग्जैक्टली एक्यूरेट एकदम टाइम दिखाएगा लोकेशन आपकी। मैं एक बारी अगर चाहो तो थोड़ा सा मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको, कि अभी तो शायद से थोड़ा सा ये टाइम और लेगा लग रहा है। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, कार स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन, स्कूटी वाले को जाने देते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ये अभी और थोड़ा टाइम लेगा। हाँ अभी और थोड़ा टाइम लेगा, इसको थोड़ा सा घूम देते हैं, रीसेंटर करते हैं।
ठीक है। हाँ अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये अब एरो भी आ चुका है, बस अभी मेरे को 2-4 मीटर हुए हैं चलते हुए। सेकंड गियर लगा लेता हूँ, बहुत हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है वैसे, अगर स्क्रीन पे आप अगर देख पा रहे हो तो। Next left towards sector 122, second entrance, then turn right. देखिए आप देख सकते हैं मूवमेंट हो रही है, अब मैं लेफ्ट ले रहा हूँ। तो उसमें भी लेफ्ट हो गया है, थोड़ा सा अभी भी और थोड़ा सा लैग ही चल रहा है जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा है इसको, तो उस हिसाब से हल्का थोड़ा लैग ही है। Next right towards sector 122, second entrance. Then turn left onto sector 122, second entrance. अलग डायरेक्शन में भी ले जाता हूँ इसको, आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट मुड़ गया फिर से, वो भी लेफ्ट मुड़ गया, रिडायरेक्शन भी हो रही है। बस यही है, अगर अब मैं इसको 2 मिनट और दूं तो एग्जैक्टली जैसे ऑन पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं दिल्ली गया था आपको तो पता ही होगा दिल्ली के रास्ते कैसे, अगर एक कट छूट गया तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। मैंने फिर से लेफ्ट ले लिया, तो उसमें भी मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। अगर ये इसने जाके अब लेफ़्ट लिया है थोड़ा बहुत, हाँ ये लेट है, पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे प्रॉपरली, कहीं एक प्रॉपर लोकेशन में आपको जाना है तो फिर उसके हिसाब से। देखिए मैं उसी लोकेशन में वापस आ चुका हूँ, तो यही है। तो ये स्टार्टिंग में यही कहना चाह रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में टाइम लेता है, पर उसके बाद जैसे जैसे 5 से 10 मिनट हो जाते हैं इसको ऑन होते ही, मतलब नेविगेशन को ऑन होते, तब वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करने लगता है, और उसके बाद वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता। फिर आप उसको कितनी भी देर कितनी भी दूर की लोकेशन ले जाओ, कभी कुछ वो दिक्कत नहीं देता। स्क्रीन भी कुछ गर्म वर्म ज़्यादा नहीं होती है, हल्की वार्म होती है बस। ये क्या दब गया वैसे पता नहीं, पर मैं ये कहना चाह रहा था कि हल्की वार्म होती है, ज़्यादा कुछ गर्म भी नहीं होती है। तो अगर ये, क्योंकि मैंने सारे देखे हैं 2GB 64, मतलब 2GB 16GB और 2 3GB शायद 32GB जो भी है, सब एक्चुअली सेम हार्डवेयर है। ब्लू पॉन्ट और ये जो भी है हाइपरसोनिक फॉक्स फायर, ये सबका सेम हार्डवेयर है, एग्जैक्टली सेम है, बस ये नीचे वाली ब्रांडिंग का फ़र्क है, ये वाली ब्रांडिंग का फ़र्क है। बाकी अगर आप कोई भी देखो तो उस पर ऑलमोस्ट ये वाली थीम भी मिल जाती है आपको, ये सारे बटन्स भी एग्जैक्ट सेम मिल जाते हैं। आप ये खुद सोचिए ना, अगर अलग अलग कंपनियां हैं तो अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ अलग करेंगी, पर नहीं, आप सब में देखोगे सब में यही एग्जैक्ट सेम पावर होम बैक और ये प्लस माइनस का बटन है, फिर ये वाले सेम मिल जाते हैं आपको, तो ये एग्जैक्टली सेम है, बस इनकी थीम का फ़र्क होता है और ये ब्रांडिंग कर लेते हैं बस अपनी थोड़ी बहुत, बाकी एग्जैक्टली सेम है मटेरियल ब्लू पॉइंट वगैरह सब का। क्योंकि ये वर्थ है तो हाँ एक्चुअली वर्थ है, पर इसके सिर्फ बेस लाइन वेरियंट वर्थ है, जो एक्चुअली 10,000 है, 11,000 या 12,000 मैक्स, इतने के वेरियंट ही सही रहता है आपको। क्योंकि अगर वो और लगाने हैं, कैमराज आगे पीछे भी लगाने, 360 लगवाने, तो आपको ऑब्वियसली हायर वेरियंट लेने पड़ेंगे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी है यही है, जो भी आपने देखा आपके सामने फुल ट्रांसपेरेंसी से है कि ये है। आपको अगर मैं गूगल क्रोम खोल के दिखाऊँ तो ये देखिए और टैप हुआ, ठीक है, इतना टाइम लगा। देखिए नेट सही है एक्चुअली, यही मैं एक ये भी दिख गया कि नेट भी स्लो नहीं है मेरा, यूट्यूब खुल चुका है, बस यही थोड़ा लैग पैक मारता रहता है। वीडियोस तो ये सारे चला ही लेता है, बस मैं यही दिखा रहा था आपको स्पीड टेस्ट दिखाना चाह रहा था इसका। बाकी साउंड वाउंड में भी ये ऐसे है कि जैसे मैं गाड़ी ऑन करता हूँ ना, और जब तक इसका फिर से 10 सेकंड लगते हैं फ़ोन को इससे कनेक्ट होने में गाड़ी स्टार्ट होते ही, क्योंकि थोड़ा सिस्टम विस्टम इसके ऑन होते हैं एंड्रॉयड वगैरह का। आप ये समझ लीजिए अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के इसको अच्छे से ऑन कर रहे हैं ना, तो नेग्लिजिबल अमाउंट है इसकी ये वाली होम स्क्रीन आने में और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने में, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है ब्लूटूथ की, एकदम अच्छा चलता है, कोई लेटेंसी वगैरह कुछ भी नहीं दिखती है इसमें। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसके साथ मत लगाइए, और इसमें जैसे मैंने देखे ब्लू पॉन्क जब मैं ये लगवा रहा था, तो एक अंकल थे उनकी भी ब्रेजा ही थी, तो उन्होंने भी ब्लू पॉन्क का लगाया था, पर उनका 19,500 रुपये का था,
तो ऐसा तो कुछ उसमें हार्डवेयर में चेंजेस नहीं थे, वो भी खुद मेरे से बोल रहे थे कि जब इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है तो प्राइस का इतना अंतर क्यों है। वो सिर्फ ब्रांडिंग का है, वो ब्रांड वैल्यू अपनी अपनी है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, वारंटी सब में सेम है, हार्डवेयर सब में सेम है, सेम ही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो आपको चीपेस्ट मिले, मतलब हाँ ये भी है इसके नीचे वाले वेरिएंट भी आते हैं जो 1 GB वाले रहते हैं, पर वो कोई बेचता नहीं है, बस बहुत छोटे छोटे 6-6 हज़ार रुपये के आते हैं, वो थोड़े से लैग ही ज़्यादा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2 GB RAM 16 GB ROM के साथ जाइए, तो ये आपका पर्पज़ सर्व कर देगा। जैसे कि कैमरा वगैरह में भी बहुत ज़्यादा डीले है नहीं, बस ये है खुलने में टाइम लगता है, बाकी एकदम सेम चलता है। मेरा निपॉन की 9 इंच स्क्रीन के बारे में टोटल इन डीप रिव्यू, और अनबायस्ड था ये, कोई मैंने कहीं से, या तो मैं गुस्सा भी नहीं हूँ कंपनी से और मैं कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, ये एक नॉर्मल कंज्यूमर के तरफ से रिव्यू था। तो अगर आपको मेरी और वीडियोस देखने, जैसे बेस मॉडल में टॉप मॉडल के स्टेयरिंग व्हील और अलॉय व्हील्स वगैरह की वीडियोस देखनी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।